एकदम से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए हाँ, ये वही विपक्षी पार्टियां हैं जो जब चुनाव हार जाती हैं तो ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करती हैं। मैं अभी से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपको ईवीएम पे तो विश्वास है ना? ऐसे ही जो मुस्लिम धर्मगुरु या टीएमसी के वेस्ट बंगाल के या आम आदमी पार्टी के विधायक ने सवाल किया है कि रमजान के महीने के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो ये देश तो त्योहारों का देश है जिसमें सोमवार को शिव जी का होता है, मंगलवार को हनुमान जी का होता है, शुक्रवार को संतोषी माँ का होता है, हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है। तो ऐसे के अंदर रमजान का मामला इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी से चुनाव हार रहे हैं और मुस्लिम भी उनको वोट नहीं देंगे। दूसरा, ये जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, पहले ये भी देख लीजिए ये लोग रोज़ा भी रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो सिर्फ उनके नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम्स को किसी बार का कोई ऐतराज़ नहीं है और रोज़ा में दुकानें भी खुलती हैं और रोज़ा में सब लोग काम पे भी निकलते हैं, तो रोज़ा के अंदर लोग वोट भी जानने निकल सकते हैं। पर क्योंकि ये लोग चुनाव हार रहे हैं तो इसलिए आप देखिएगा अगले दो महीने तक जब तक चुनाव होंगे तब तक कोई ना कोई आपत्तियाँ, कोई ना कोई बहाने और कोई ना कोई आरोप ये विपक्षी पार्टियां लगाती रहेंगी। दरअसल तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता से और जिस तरीके से 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में जीतेगी उससे घबरा गए। सर, जिस तरीके से आप विधायक ने बयान दिया उससे ऐसा लग रहा है कि चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बीजेपी जो है चुनाव आयोग के पास जाएगी इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराने? ओबीसी के भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग ने जो भी तिथियां तय की हैं उनका स्वागत किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है और हमको लगता है इन चुनावों के अंदर दिल्ली में हम 7 के 7 सीट जीतेंगे और वाकई में ये लोग आने वाले समय के अंदर इसको धार्मिक रंग देने के अंदर लगे हुए हैं। वरना तुरंत इस बात का उठाना कि भाई रमजान के महीने के अंदर चुनाव क्यों हो रहे हैं, तो भाई रमजान के महीने के अंदर जब रोजे खुलते हैं तब भी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दावतें होती हैं और सवेरे सवेरे अगर किसी को वोटिंग करनी हो तो कोई आपत्ति भी नहीं है क्योंकि ये तो रात को या सवेरे उठकर खाना खाते ही हैं। पर ये सिर्फ धार्मिक रंग देकर ऐसा दिखा रहे हैं मानो ये मुस्लिम्स के हितैषी हैं। असल मुस्लिम के हितैषी तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के खिलाफ बिल लाकर काफ़ी राहत दी है। सर, आचार संहिता का ये मुद्दा बताकर एक मीटिंग सरकार से कमलनाथ सरकार जो है आचार संहिता का बात करके जो है कि चुनाव का ऋण माफी का काम जो है चुनाव के बाद करने का वादा कर रही है, क्या है? देखिए, इनके असली रंग दिखाई देने लगे हैं। जिस तरीके से झूठे वायदे करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों के अंदर कांग्रेस ने थोड़ी बहुत विजय प्राप्त की थी, अब वहां पर कांग्रेस को लेने के देने पड़ रहे हैं क्योंकि कमलनाथ जी ने और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो ऋण माफ़ी करने थे वो ऋण ना माफ़ किए और ना वो किसानों को पूछ रहे हैं, तो अब उनको लगता है कि लोकसभा की एक भी सीट मध्य प्रदेश में वो जीतने वाले नहीं। सर, जिस प्रकार से मायावती कहना है कि मोदी जी गरीब विरोधी है और वो काम करो के सिर्फ मोदी जी ने तो पहले दिन कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब की सब आप देखेंगे तो सब गरीबों के लिए हैं, चाहे वो धन्य जनधन योजना हो, चाहे कन्या समृद्धि योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो या कोई भी हो।